Hey people, hey Fox, how are you doing? वो देखिए मेरे पीछे कितनी लंबी जेसीबी आपने नहीं देखी होगी। अभी मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ वीडियो, तो उसमें इतनी क्लियर नहीं आ रही है, बट जब मैं आपको मेरे रियर कैमरे से दिखाऊंगा तो उसमें दिखेगी। अभी मैं खड़ा हूँ ये हिल्स पे और यहाँ पानी की काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। नेचुरल वाटर इज फ्लोइंग। ये पानी आपको क्या लगता है, गंदा दिख रहा है ना? ये हिमालय से आया हुआ पानी है। हाँ, रियल में हिमालय की नदियों से आता है। हरियाणा की मेन नदी है ये GLN, जवाहरलाल नेहरू रिवर रिवर जवाहरलाल नेहरू रिवर है ये। तो वो देखिए पीछे ट्रेन जा रही है, पीछे का भी दिखाता हूँ। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ओ देखो पीछे दूसरे पे जाके दिखाता हूँ। अरे आवाज़ भी चेंज हो रही है, जब यहाँ खड़े होते हैं तो ज़्यादा आवाज़ आती है और जब मैं उस पे चला जाऊँगा उस पे तो कम आवाज़ आएगी। वो देखो पीछे वो पूरी नदी, ये नदी मोस्टली हरियाणा के एग्रीकल्चर में पानी की सप्लाई देती है, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर जो खेती है वो अच्छे से पैदावार होती है और हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें मिलती है अनाज, सब्जियाँ, फ्रूट्स। सो इफ़ यू वॉन्ट टू फील दिस सॉर्ट ऑफ, ये भी एक नेचुरल नज़ारा है, आप इसे फील कर सकते हैं। वो देखिए पानी वहाँ से निकल गया, उस कैमरे से दिखाता हूँ। खड़ा हूँ यहाँ, वो सामने जा रही है नदी, वो देखिए वो निकल रहा है पानी। दीवार में थोड़ा छेद हो गया है और उसमें से पानी ने रास्ता बना के निकलना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा साउंड आ रहा है और देखिए अब यहाँ पे आऊँगा तो कम हो जाएगा। ये जा रहा है बंदर। ये दीवार लगाई गई थी कि पानी वहाँ से इधर ना आ पाए, पर पानी ने रास्ता खोज लिया और वहाँ से निकल पड़ा। उसके बाद ये पानी एक वहाँ से भी निकल रहा है, ट्रेन आ रही है जिससे फेरी ट्रेन मीन्स की मालगाड़ी है, कंटेनर लेके आई है, यहाँ से जाएगी देखना। ओके सो ये पानी वहाँ से और वहाँ से निकल के फिर ये जा रहा है ऐसे घूम के, फिर दोबारा से ये दोनों नदियाँ मर्ज होती हैं, नहीं फिर ये यहाँ से निकल के एक नदी वहाँ से जाती है छोटे वाली उसमें जाता है और एक ये यहाँ से जा रही है इसमें। देखिए पीपल का पेड़, ये कुछ लोहे के स्ट्रक्चर पानी को रोकने, पानी के कंट्रोल करने के लिए। देखते हैं स्ट्रक्चर में है क्या। ओ यहाँ पे दीवार नहीं लगाई है, यहाँ पे इन्होंने लगाया है ये लोहे का पूरा बड़ा स्ट्रक्चर, एक लोहे का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जब ऐसे ऊपर उठाएंगे इन केबल्स के थ्रू, लोहे की तार हैं, तो ऊपर उठेगा और पानी फिर जहाँ निकलना शुरू हो जाएगा। एक है ये, वहां पे पीपल आते हैं कुछ यूथ और वहां वो करते हैं आगे एक्सरसाइजेस। ये देखिए ये है वो इतनी बड़ी हिटैची की, टाटा की गई टेची कंपनी, जेसीबी क्रेन, वर्सुटाई से मशीन, जेसीबी मशीन। इस पे जाके देखें, इस पे ऊपर जाके देखें क्या क्या है। चलो सीढ़ी से चलते हैं। ये है पीपल का पेड़, बरगद, शायद बरगद है ये। लेट्स गो अप एंड चेक What's there? Oh. यहाँ पे मैकेनिज्म है जो नीचे के लोहे के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे थे बड़े बड़े, उनको ऊपर नीचे करने का। ये शायद बिजली से होते होंगे, कैसे करते हैं इनको पता नहीं। अब मैं आ गया हूँ अप इन ऑन द रूफटॉप इस स्ट्रक्चर पे और यहाँ से देखिए
वो है रेलवे लाइन, वो है ब्रिज, वो पानी यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से निकल के वहाँ पे जा रहा है, वो नदी देखिए पूरा तेज़ बहाव, वो खड़ी है मेरी एक्टिवा और ये बंदर, ये है वो पूरी बड़ी मशीन टाटा हिटैची की। मैंने इतना बड़ा जेसीबी के इतने लंबे लंबे आर्म्स तो नहीं देखे हैं। ये पेड़, इनको हम तो पेड़ के पेड़ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हो इनको, इनका इंग्लिश में तो और कुछ नाम है। ये देखिए ये पूरी लंबी नदी, ये खतरनाक भी है ये नदी, काफ़ी सारे बच्चे इसमें डूब जाते हैं, काफ़ी सारे व्यक्ति, तो इसमें बहुत सावधानी से अगर आपको अच्छे से तैरना आता है तभी इसमें आएँ और गहरे पानी में तेज़ पानी के बहाव में ना जाएँ। इस नदी पे मैंने जहाँ तक इस नदी को एक्सप्लोर किया है, ऑब्जर्व किया है, तो इस पे मुझे दूर तक इस तरह की वाइट कलर के स्पेदे कहते हैं जिनको, ये ज़्यादा सोल्टी वाटर में होते हैं, ये मुझे देखे हैं। और यहाँ पे खड़े हो गए आप काफ़ी अच्छा फील कर सकते हैं, इट फील्स और लाइक यू आर इन वाटरफॉल लाइक समथिंग। हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पानी गिर रहा है, ऊपर से रेलवे लाइन है और कुछ कुछ व्हीकल आ जा रहे हैं, पीपल्स वहाँ पे, वो देखिए वो वहाँ पे कबड्डी वगैरह खेल रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सो, कभी घूमिए इन जगहों पे, आइए घर से बाहर निकल के उस मशीनी युग से, कंक्रीट से बाहर निकलिए और कभी फील कीजिए इस तरह की नेचुरल जगहों को, काफ़ी अच्छा फील होगा, यू विल फील क्वाइट डिफरेंट एंड फ्रेशनेस फील होगी, न्यू ब्रेन सेल्स बनेंगे आपकी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, इफ़ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ओशम लाइफ इम्प्रूविंग एंड हैप्पीनेस वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।